हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एस एस डी एजुकेशनल क्लासेस एंड आई एम योर फ्रेंड कशिश मेहरा एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ट्रेड क्रेडिट जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा तो वहाँ पर हमने और भी कई टॉपिक के साथ डील किया है लेकिन आज के जो वीडियोस में हम देखने वाले हैं कि ट्रेड क्रेडिट होता क्या है जैसे कि अगर हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं तो बिज़नेस में जब तक हम कोई भी काम करते हैं कोई भी लेन देन करते हैं तो वहाँ पर क्रेडिट ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो क्रेडिट का मतलब रहता है कि हमने शॉर्ट टर्म बोरिंग्स किसी और से ली हुई है मतलब हम उसे पेमेंट कुछ समय के बाद करने वाले नो बिजनेस कैन रन विदाउट क्रेडिट क्रेडिट इज़ द सोल ऑफ बिजनेस जब तक अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे हर बिजनेस में किसी न किसी तरीके का क्रेडिट होता ही है ट्रेड क्रेडिट्स फाइनेंसिंग इज मेजर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग अगर मैन्युफैक्चर है होलसेलर है सप्लायर ऑफ गुड्स या मटेरियल वाला है तो यहाँ पर वो अधिकतर ट्रेड क्रेडिट का वर्ड यूज़ करते हैं ट्रेड क्रेडिट और कुछ नहीं है अगर हम अपने मैन्युफैक्चरर से या होल से कोई भी गुड्स लेते हैं और उसकी पेमेंट हम ऑन द कैश नहीं करते ऑन द स्पॉट कैश में नहीं कर रहे हैं और उसकी पेमेंट हम कुछ समय के बाद कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रेड क्रेडिट दे सेल टेंजेबल गुड्स टू अदर बिजनेस कंसर्न ऑन द बेसिस ऑफ डिफ़र्ड पेमेंट डिफर्ट पेमेंट का मतलब होता है जो पेमेंट हम फ्यूचर में करने वाले हैं विद द इंटेंशन और ये अधिकतर बिजनेस मैन क्यों करता है विद द इंटेंशन ऑफ इंक्रीजिंग देयर सेल कि अगर हम ट्रेड क्रेडिट देंगे तो वो हमसे सेल या फिर हमारे सामान को परचेज करेंगे द बिजनेस फ्रॉम एक्सटेंड क्रेडिट ऑल्सो बिकॉज ऑफ कस्टम दैट हैज़ बिन बिल्डअप ओवर टाइम ट्रेड क्रेडिट इज नॉट कैश लोन ट्रेड क्रेडिट कैश लोन नहीं है लेकिन हम सामान अभी परचेज कर लेंगे पेमेंट कुछ समय के बाद करेंगे इट इज़ इट रिजल्ट फ्रॉम क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज विच हैज़ बीन पेड एट द फ्यूचर डेट आफ्टर द सेल ऑफ टेक प्लेस मतलब जब सेल्स टेक प्लेस करेगी उसकी पेमेंट हम कुछ समय के बाद करेंगे इन अदर वर्ड वी कैन से दैट वेन गुड्स आर डिलीवर्ड बाई सप्लायर टू कस्टमर एंड द पेमेंट इज मेड आफ्टर वर्ल्ड इट इज़ नोन एज ट्रेड क्रेडिट और ट्रेड क्रेडिट के बारे में कुछ और भी बातें हम यहाँ पर देखेंगे इन डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड दिस काइंड ऑफ क्रेडिट हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस मोस्टली स्मॉल रिटेलर्स के लिए ये बहुत यूजफुल रहता है क्योंकि ऑन द स्पॉट वो कैश पेमेंट नहीं कर सकते तो इसलिए वो जो पेमेंट रहती है वो बाद में करते इट इज़ एन ईजी काइंड ऑफ क्रेडिट विच कैन बी ऑप्टेन विदाउट साइनिंग एनी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर कोई भी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को साइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मोस्टली सप्लायर सेल गुड्स एंड विलिंगली अलाउ थर्टी डेज और मोर फॉर बिल टू बी पेड मोस्टली आपको एक महीने का टाइम दिया जाता है और एक महीने के बाद आपको वो पेमेंट करनी होती है दे इवन ऑफर डिस्काउंट इफ़ बिल्स आर क्लियर विद इन शॉर्ट टाइम अगर वो बिल दस या पंद्रह दिन में क्लियर होता है तो कई बार वो डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो ट्रेड क्रेडिट के रूल्स रेगुलेशन है वो रिजिट नहीं है वो फ्लेक्सिबल है और अपनी कंडीशन के हिसाब से वो चेंज करते रहते हैं होप है स्टूडेंट आपको ट्रेड क्रेडिट का मीनिंग समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन पढ़ने वाले हैं कई टॉपिक्स के बीच में Thank you.